खंडवा कमलनाथ सरकार में प्रदेश के सभी माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में खंडवा में भी कथित सटाकिंग कहे जाने वाले रितेश गोयल के घर पर निगम ने आज कार्रवाई की। निगम की इस कार्यवाही के दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इधर जब कथित सटाकिंग के मकान पर जेसीबी चलाई जा रही थी तब यह वीडियो कॉलिंग पर पूरी कार्यवाही लाइव देख रहा था। खंडवा में कुछ समय से रुकी हुई अतिक्रमण की कार्यवाही फिर से शुरू हुई। सुबह नगर निगम और प्रशासनिक अमला सटा माफिया रितेश गोयल के घर पर पहुंचा। निगम ने पहले ही नोटिस देकर अनुज्ञा विरोध बने निर्माण की मार्किंग कर दी थी। एसडीएम संजीव केशव पांडे ने बताया कि अनुज्ञा विरोध बने निर्माण को तोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि लगभग 8 से 10 फीट तक का अवैध निर्माण तोड़ा जाएगा। जिस समय प्रशासनिक अमला मकान को तोड़ रहा था उस समय कथित सटाकिंग भोपाल से अपने मोबाइल पर वीडियो कॉलिंग के जरिए मकान को तोड़ जाने का नजारा लाइव देख रहा था। इधर जब रितेश गोयल से इस मामले में बात करने की कोशिश की लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। सूत्र बताते हैं कि कथित माफिया कार्यवाही रुकवाने के लिए भोपाल में कांग्रेस और भाजपा नेताओं से मदद मांगता रहा लेकिन उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। नहीं, बड़गांव भीला रोड पर ये मनसा भवन का जो अतिक्रमण का मामला नहीं है, ये अनुज्ञा के विरुद्ध जो निर्माण कार्य हुआ है उसको आज तोड़ा जा रहा है। ये रितेश गोयल जी का मकान है और किसकी प्रक्रिया पूरी करते हुए आज ये कार्रवाई की जा रही है। मैंने आपको पहले बताया कि अनुज्ञा के विरुद्ध निर्माण का मामला है। ये करीब 8-10 फीट भीतर तक जाएगा, वहाँ पर लाल निशान लगा दिया गया है, आप देख सकते हैं। फिलहाल अभी इस मकान के ऊपर कार्रवाई चल रही है।